सर ना तो सर वहाँ बेड मिल रहे हैं और ना वहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं। दूसरा कि अगर पेशेंट को अगर कुछ हो जाता है तो सर वो बॉडी भी घर वालों को नहीं देते। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे, वो नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको सैंक्शन कर दिया गया जी। ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो। इस सरकार को सिर्फ अपनी इमेज बचाने की पड़ी हुई है। आप लोग ना चुनाव लड़ते तो कम से कम जाने तो बच जाती, जीतने देते ममता बनर्जी को। आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार दिख ही नहीं रही जमीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। देश में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और रोजाना 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कई जगह ऑक्सीजन की कमी है तो कई जगह वैक्सीन की, और कई जगह तो बेड ही नहीं मिल रहे। लोगों का इलाज खुले में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में लोगों का इलाज जमीन पर लिटा कर किया जा रहा है। आप खुद ही ये वीडियो देखिए। भले ही बाहरी देशों से हमें मदद मिल रही है, पर अभी भी देश संकट का सामना कर रहा है। लोग काफी परेशान हैं और ये परेशानी उनकी बातों से साफ दिखाई देती है। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे, वो नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। आचार्य भिक्षु में भी इतना टॉर्चर किया गया, पेशेंट को भी, हमें भी किया, यहाँ से बदले जाओ, वहाँ से बदले जाओ, सबको बहुत परेशान किया। लास्ट में पेपर तक छीन लिया, कह रहे हम नहीं कर रहे, और उसमें लिख भी दिया कि हमने गलत उनके साथ मिसबिहेव किया। पैसा देने के लिए तैयार है तो भी कोई बेड नहीं, और बदतमीजी डॉक्टर कर रहे हैं। सर ना तो सर वहाँ बेड मिल रहे हैं और ना वहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं। दूसरा कि अगर पेशेंट को अगर कुछ हो जाता है तो सर वो बॉडी भी घर वालों को नहीं देते। इसलिए हम ये सोचते हैं कि घर पे ही करें, चाहे पेशेंट को कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम बॉडी तो हमारे पास रहेगी। मेरा पेशेंट है कोविड है, और कल सुबह मैंने उसको JD हॉस्पिटल में एडमिट करा था, ठीक है, और वहाँ से उसको अब इस समय रेफर कर दिया है। और ये कार्ड मेरे हाथ में दे दिया है JD का, और ये कहा जा रहा है कि ये आप दीनदयाल में दिखाएंगे, तुरंत लेंगे, और यहाँ इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। और ये कह रही हैं कि यहाँ बेड नहीं है। मैं अपने मरीज को कहाँ ले जाऊँ, अपने घर पर ले जाके और मरीजों को मरीज बना दूँ? जो सही सुथरे हैं उनको भी मरीज बना दूं? बताइए कहाँ ले जाऊं, सड़क पर ले जाकर डालूं मरीज को? कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को बयान दिया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लोगों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन कब तक मिल जाएगी जब ये सारे ऑक्सीजन? देखिए ऑक्सीजन हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको सैंक्शन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। अपने आप से डायग्नोसिस मत करिए, अपने आप से अस्पताल की तरफ भागना मत शुरू करिए। सिम्टम है तो टेस्ट कराइए। सरकार ने टेस्ट करने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध की है। आज तो एक दिन में हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी 25 लाख टेस्ट की है। 17.5 लाख टेस्ट हमने कल में किए हैं, हर रोज इतने कर रहे हैं। 2,500 के करीब जो है लेबोरेटरीज देश में हमने विकसित कर दी हैं। तो टेस्ट कराइए, पॉजिटिव होता है तो आइसोलेट हो जाइए, और सारे अपने साथियों को आसपास जो भी आपके कांटेक्ट में आए हैं उनको भी सचेत करिए, और फिर 2 हफ्ते ठीक प्रकार से क्वारंटाइन किया, डॉक्टर के संपर्क में रहे, और फिर डॉक्टर अगर कहता है कि आपको अस्पताल में रहने की जरूरत है तो जरूर अस्पताल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल में भी पूरी व्यवस्था सारे देश के अंदर आपकी चिंता करने के लिए लगी हुई है, लेकिन पैनिक रिएक्शन में इधर से उधर मत भागें। पर लोग अभी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं।
प्रदेश में कितनी मौतें हुई इसका आंकड़ा पहले ही राज्य के मंत्री छुपा रहे हैं, जिनमें गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। इसकी जानकारी भी एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में दी कि ऐसी ही एक जांच पड़ताल हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने की मध्य प्रदेश में। तो एक तो खबर है जो कि आपने गुजरात के संदर्भ में देखी होगी, वो विजुअल्स वगैरह चल रहे हैं जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे कि क्या गुजरात मामले दबा रहा है मृत्यु के मामले, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मृत्यु दर कम है। उनका ये कहना है कि वहाँ पर एक क्रेमेटोरियम है जिसका नाम है भादबाड़ा और वहाँ पर कल 37 शव आए जिनको एक दिन में 37 लोगों को का क्रियाकर्म हुआ। और जो पूरा डेथ टोल है पूरे राज्य का कल जो आंकड़ा है जो मृत्यु दर वो भी 37 थी। ये कैसे हो सकता है कि एक क्रिमेटोरियम में 37 लोग कोविड की वजह से उनको उनके लास्ट राइट्स हुए कोविड होने की वजह से। और जो आंकड़ा जो राज्य प्रस्तुत कर रहा है जो आंकड़ा जुड़ करके एक साथ एकत्रित किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये मृत्यु दर वो भी 37। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान भी मीडिया में आया था कि उत्तर प्रदेश में बेड्स दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अगर कोई मीडिया गलत खबर फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ न्यूज की ओर ध्यान दें तो ऐसी ढेरों खबरें मिल जाएंगी जिनमें ऑक्सीजन या फिर बेड ना मिलने की वजह से लोगों की जान गई है और लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ, तुम अपना मुंह लेके आओ। अब तो योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार भी लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन संकट के कारण मरीज की मौत हुई तो ये नरसंहार से कम नहीं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और सरकार अपनी छवि सुधारने को लेकर जो कदम उठा रही है उस पर टिप्पणी भी की। इस सरकार को सिर्फ अपनी इमेज बचाने की पड़ी हुई है। आगे देखिए ये छोटे मोदी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का लाभ यह है कि आज कोरोना की दूसरी लहर के समय यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के मुस्लिम देश सहित पूरी दुनिया भारत की मदद में एकजुट हो गई। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, अरे ये समस्या किसकी वजह से आई है मोदी जी, सुशील जी? मतलब आज की तारीख में अगर दुनिया भर हमारी मदद कर रहा है तो वो भी प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। दुनिया हमारी इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि भारत में हालात बद से बदतर हैं और वो जो दुनिया मदद कर रहा है उसके अखबारों पर रोक लगाने का प्रयास ये महाशय हमारे विदेश मंत्री कर रहे हैं। इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह से नैरेटिव को बदलना है। हमारा मीडिया सक्रिय है कोरोना को लेकर, ये अच्छी बात है, पर मीडिया क्या सरकार के नेताओं से जनता की परेशानियों पर सवाल कर रहा है? क्या मीडिया जनता की असल परेशानियों को आपके सामने ला रहा है? अगर ऐसा हो भी रहा है तो बहुत कम। मीडिया को इस मुद्दे पर काफी सक्रिय होना होगा और बीजेपी के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करना होगा। और अस्पतालों का निकल रहा है दम, क्या लॉकडाउन ही करेगा कोरोना को बेदम? लेकिन हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है बंगाल में, मतलब वोट नहीं देंगे तो मार देंगे? बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है घर से बाहर, मारा जा रहा है, उन्हें जान से मार रहे हैं। आप लोग ना चुनाव लड़ते तो कम से कम जाने तो बच जाती, जीतने देते ममता बनर्जी को, अकेले रेस में जीतती बन जाती सीएम। आपके चुनाव लड़ने के चक्कर में कितनी जाने चली गई, जिन लोगों ने आपकी बात की आज उनकी हत्याएं हो रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ साथ बीजेपी ने महिला कार्यकर्ताओं से रेप का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है और यहाँ तक आरोप लगा है कि गैंगरेप भी हुआ है। सवाल सीधे तौर पर जहन में ये आता है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे या ममता दीदी को क्या इसी दिन के लिए चुना गया था? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी से सियासी बदला लिया जा रहा है? AIMIM के नेता ओवैसी ने भी सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाए हैं और जनता की परेशानियों को हल करने पर जोर देने को कहा है। डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं?
आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फौरन डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने, इनको कोई पता ही नहीं है, कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे ये वक्त आपको एक्शन लेने का है, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे, इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रिमेटोरियम जो गैस के हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं, आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई ज़मीन पे देखिए ना, आप ज़मीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही ज़मीन पर, आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर ज़मीन पर तो कोई सरकार नज़र ही नहीं आ रही, इससे हर आदमी परेशान है। सरकार चुनावी माहौल से तो अब बाहर आ चुकी है, तो अब सरकार अपना सारा ध्यान कोरोना महामारी की तरफ लगाए तो अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।